अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई अमीन कादरी। आज हम एक दफ़ा फिर मोटर ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह थोड़ा सदर जाना है। सदर जाके इंशाल्लाह थोड़ा सा अपने चेहरे को सेट कराना है, बाल बाल सेट कराने, तो इंशाल्लाह चलते हैं। आज आपको दिखाते हैं कि हम कौन सी जगह पे जाते हैं, अपने बाल बाल सेट करवाते हैं। तकरीबन बचपन से हम लोग इसी जगह पे। अब हम पहुंच चुके हैं कैफे अलादिता की तरफ, बिल्कुल सारा कायदीन टच होने वाला है हमारे। राइट हैंड पे हम मुड़ेंगे तो कायद आजम का मज़ार आ जाएगा। सिग्नल खुला हुआ है मगर आप देखें बहुत कम लोग इस पे अमल कर रहे हैं, खास करके बाइक वाले रुकने को तैयारी नहीं होते। देखो फैमिली लेके जा रहा है मगर उसको ज़रा भी एहसास नहीं कि गिर जाऊंगा तो लाखों रुपए डॉक्टर को देने पड़ेंगे। बहुत महंगाई हो गई है भाई, ख्याल करो अपनी जान का, अपना, अपने भाई बहनों का, बच्चों का, पड़ोसियों का, सबका एहसास करो, दूसरों का भी एहसास करो। सामने वाले से लग जाती है फिर जब आप अचानक से निकलते हैं, सामने वाला ठोक देता है तो फिर आपको ये होता है कि इसने मारा, जबकि ऐसा नहीं होता। अमूमन गलती होती है, वन में जाने वाले का 100% गलती होती है। सिग्नल खुल गया, अब आप जाएं, कौन आपको मना करता है। ये लाइन दे दिया सारा कायदीन, सीधा कायद आजम के मज़ार पे रास्ता जा रहा है। एक तो मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि मेरा कैमरा ऑन है या ऑफ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके लिए भी कोई छोटा मोटा कुछ ना कुछ सेटिंग करनी ही पड़ेगी। दूसरा ये कि सारी ज़िंदगी हमने जो है 70 मोटरसाइकिल होंडा की चलाई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमको गियर की, गियर जो है इसके एक आगे लगता है, चार पीछे लगते हैं, वो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है अचानक से, क्योंकि सालों साल से हम 70 चलाते रहे, 70 की आदत लगी हुई है। लेकिन अब तो काफ़ी दिन हो गए, तकरीबन 300-350 किलोमीटर में बाइक चला चुका हूँ तो मुझे आइडिया हो चुका है। अंधेरा हो रहा है, बिल्कुल तनातन अंधेरा हो रहा है, लाइट नहीं है, गर्मी आई नहीं है और लाइटों का हाल देख लो। तो हम लोग जा रहे हैं भाई इस वक्त थोड़ा सा सदर में हेयर ड्रेसर के पास, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा अभी आज गर्मी थी, दिन में निकल नहीं सका, मैंने सोचा चल गया यार अभी थोड़ा मौसम ठंडा है तो बाल वाल सेट कराते हैं, थोड़े से अपना होलिया थोड़ा सही कराते हैं। आगे फिर रमज़ान भी आने वाला है, फिर पता नहीं टाइम मिले ना मिले। ये देखो वन वे आ रही है सारी कौम, पूरा शहर वन वे आ रहा है इस जगह पर, समझते ही नहीं है। ये देखो माशाल्लाह सारी दुकानें खुली हुई हैं, रमज़ान की आमद आमद है, जिसकी वजह से खाने पीने के आइटमों पे बड़ा रश है, काफ़ी महंगाई हो चुकी है, हर चीज़ के रेट बढ़ चुके हैं, आटा नहीं मिल रहा, तेल नहीं मिल रहा इस वक्त खाने का, पकवान तेल जो होता है ऑयल, बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो अब लोगों को पता चल रहा है कि सैलाब क्या था, महंगाई क्या है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा है, लोगों के पास स्टॉक होता है,
तो जिनके पास स्टॉक था आगे पीछे वो बेच ही रहे थे, अब स्टॉक लोगों का ख़त्म होता जा रहा है, तो लोगों को अब पता चल रही है कि भाई थोड़ा मामला ख़राब है। ये लंडा बाजार की कुछ दुकानें, और ये देखें सारा लंडा बाजार लगा हुआ पठानों की शॉप से, यहाँ पे जूते शूते ये वो पुराने है। एम्प्रेस मार्केट है, ये मेरे सामने आपको दिख रही है ऊपर टावर, ये सारी शॉप्स खुली हुई है। ये देखें मोबाइल फ़ोन के पाउच वगैरह सब मिलते हैं यहाँ पे, मोबाइल फ़ोन नहीं है, मोबाइल फ़ोन की एक्सेसरीज और तमाम चीज़ें। बोरी बाज़ार, ये बोरी बाज़ार कहलाता है। एम्प्रेस मार्केट का इलाका है, मेरे राइट पे एम्प्रेस मार्केट है और ये लेफ्ट पे जो है पूरा मार्केट है। चश्मा लेना है यार मेरे को भी, ये डेंटल दांत वाले तारे चाइनीज डॉक्टर अल्लाह पाक रहम करे बच्चों भाई ऐसे डॉक्टरों से। ये घड़ी वालों की शॉप्स हैं सारी, और ये दिखाने का मकसद ये कि कराची वालों को तो पता ही है सब कुछ तकरीबन, जो दूर रहते हैं उनको थोड़ा सा नहीं मालूम होता है, लेकिन आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि ये वीडियो सिर्फ कराची या उधर नहीं देखी जाती, पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में तकरीबन लोग जो चाहे इसको देख सकता है। तो बताने का मकसद सिर्फ यही है कि भाई ये जो चीज़ें होती हैं यहाँ पर ये चीज़ें मिलती हैं, ताकि वो कभी भाई आए पाकिस्तान तो उसको देख के मज़ा आएगा हमें, या जो पुरा हमारे कराची के लोग हैं जो बाहर रहते हैं तो उनको अपनी यादें आती हैं, यार ये मेरा मोहल्ला है, मैं यहाँ रहता था, ये गोल्ड है जैबुनिसा स्ट्रीट, और अब हम ये मुड़ चुके हैं पासपोर्ट ऑफिस वाला रोड जिसको कहते हैं पैराडाइज सिनेमा था, ये पहले पैराडाइज शॉपिंग मॉल बन चुका है। ये अब्दुल्ला हारून रोड कहलाता है, ये देखो फैमिली बच्चे को बिठा के वन में जा रहा है, इनको गिरेंगे हड्डियाँ टूटेंगी फिर डॉक्टरों को पैसे देंगे, जब तक अल्लाह ही अल्लाह है। ये हम आ चुके हैं चार्ली हेड ट्रेसर पे, ये सामने भी खड़े हुए हैं, अच्छा इमरान भाई फालतू बैठा है भाई। चार्ली हेयरड्रेसर के सबसे पुराने और मशहूर और मारूफ, इनके पास टाइम नहीं होता, ये माशाल्लाह बहुत अच्छे हेयरड्रेसर है, और देखें इनसे मिल लें, इनको माशाल्लाह जबाने भी बहुत आती हैं। जरा आप अपना नाम अपना मुंह से ही बता रहे हैं। मोहम्मद अरशद है, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, पिछले 22 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ चार्ली हेयरड्रेसर। शुक्रिया। और ये हमारे इमरान भाई हैं, ये भी जो है ना माशाल्लाह पुराने हैं सारे, हम भाई हम लोग भी बचपन से यही आते हैं सारे बाल कटवाने और मसाज वसाज कराने। अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर अब हम लोग हेयरड्रेसर से फारिग होने के बाद निकल चुके हैं, और ये देखें आप माशाल्लाह ये
ये GPO सदर का पोस्ट ऑफिस है और अब हम लोग निकल रहे हैं अपने घर के लिए वापसी की तरफ। मैं सोच रहा हूँ आपको बंदर रोड से लेके जाऊँ या यहाँ से लेके जाऊँ। चलो हम चलते हैं बंदर रोड की तरफ से ताकि आपको कायद अजम का मज़ार का व्यू भी अच्छा सा दिखे। जनरल ब्लॉगर हैं भैया रन बजा बजा के दिमाग खराब कर देता है। ये इम्प्रेस मार्केट आ चुका है मेरे सामने और मैं आपको लेके जा रहा हूँ बंदर रोड की तरफ से। तो हम इधर से बंदर रोड के लिए मोड़ जाएंगे। यहाँ पे आपको रश जबरदस्त ट्रैफिक जबरदस्ती का शोर किया हुआ। ये फ्रूट वाले देखें, फ्रूट की मार्केट लगी हुई है। रमज़ान आ चुका, रमज़ान आने वाला रमज़ान है और इतना महंगा कर दिया है कि अल्लाह की पना पूछ बहुत ज़्यादा। खरबूजा 180 रुपये किलो बिक रहा है भाई। 100 रुपये का 4 किलो खरबूजा मिलता था, 180 रुपये केजी। वाह क्या बात है आपकी। अब हम बंदर रोड पर आ चुके हैं। मेरे राइट हैंड पे बंदर रोड पड़ेगा। ये आ गया बंदर रोड। आज कॉम्प्लेक्स जब मिडवे हॉस्पिटल हो चुका है। देखो 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 एजेंसी का लोग देखो। कैप्री शर्मा पर पिक्चर लगी हुई है। ज़माना हो गया मेरे ख्याल से, कोई 10 साल हो गए होंगे, 10-15 साल हमने फिल्म नहीं देखी सिनेमा में। रांची में तो कम अज़ कम नहीं देखी। जगाओ पढ़ो पढ़ाओ शहीद हकीम मोहम्मद सईद साहब का ये मिसरा है। सामने कायद अजम का व्यू दिख रहा है, कायद अजम के मज़ार का, और बड़ा प्यारा लुक था। लेकिन ये रोड की वजह से जो है ना, ग्रीन बस या येलो बस या रेड बस जो भी बस चलेगी इधर, एक बस बाकी सब बेबस। पूरे बंदर रोड का सत्यानाश कर दिया इस बस ने और बिल्कुल कायद अजम के मज़ार के व्यू का भी सत्यानाश कर दिया। उसने इतना बड़ा मुल्क दिया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को, उस मुल्क की क्या बात करें। और उसके सारा शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। देखो व्यू ही नहीं दिख रहा, कायद अजम का मज़ार ही नहीं दिख रहा, जबकि ये सामने है मेरे। सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए इस तरफ आया हूँ कि आप कायद अजम के मज़ार को देखें। पुलिस वाला खड़ा ड्यूटी तो कर रहा भाई। ये कायद अजम का मज़ार है,
मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ। ये मजार कायद, और ये जो है नीचे का रोड शार कायदीन, और ये हम अलग वाले बिल्कुल साइड वाले रोड से जा रहे हैं। उन भाइयों के लिए खड़ा रहा थोड़ा सा जो मेरे को कराची से बाहर से देखते हैं, और कुछ लोग इंडिया से भी देखते हैं। मैंने भी थोड़े दिन पहले ही स्टूडियो में चेक किया था कि 2% लोग मुझे दुबई से देखते हैं, 5-7% इंडिया से देखते हैं, और 90% लोग जो है मुझे कराची से देखते हैं, पाकिस्तान से। तो आपका शुक्रिया जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं खास करके, और जो दुबई से देख रहे हैं, और जो पाकिस्तान से देख रहे हैं, उन सब भाइयों का शुक्रिया। और खास दो में याद रखें अपने भाई को। और अगर इस चैनल पर नए पहली दफा आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कोई ना कोई कमेंट्स कीजिए, दुआओं की दरख्वास्त है सब भाइयों से। और ख़ास तौर पर आने वाले रमज़ान की ख्याल करें, अपने अजीब करीब लोगों का, अपने भाइयों का, दोस्तों का, पड़ोसियों का बहुत ख्याल करें। इस वक्त पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में बड़ा माहौल महंगाई वाला गर्मा गर्म चल रहा है, तो अपने अजीब करीब लोगों का ख्याल करें। जिनको ज़रूरत है, मांगने वालों का नहीं बोल रहा हूँ कि मांगने वालों को भी आप भीख देते रहो ना, उनके लिए जो है तरीक़ेकार उसके ऊपर उनको दें। बाकी और जो लोग बेचारे जो मांग नहीं सकते उनका ज़रूर ख्याल करें, जिनका ज़रूरी नहीं है। आपको बाज़ाहिर तो बहुत अच्छा दिख रहा होगा, लेकिन वो गरीब की साल में जी रहा है, क्या मसला है उसका ख्याल करें, उन लोगों का ख्याल करें। एक रोटी हम थोड़ी हल्की खा लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको भी थोड़ा सा ख्याल करें, अपने अरीब करीब का पहले ख्याल करें। भाई बहने दोस्त अहबाब पड़ोसी उनको बिल्कुल इन बड़े दिनों में एहतियात से ऐसा करें कि उनकी इज्जत नफ्स भी मजरू ना हो और उनका काम हो जाए। तो ये मेरी एक दरख्वास्त है, ये हमारा दीन भी हमें सिखाता है। कॉलेज वाले रोड से जा रहे हैं, पता नहीं कैसा लग रहा होगा, मैं खुद पहली दफ़ा आज रात को ब्लॉग मोटर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा, ये मेरा शौक है, मेरा प्रोफेशनल नहीं है, मैं शौक की वजह से करता हूँ, छोटा मोटा काम करता हूँ, कोशिश करता हूँ डेली वीडियो डालूँ, लेकिन एक आध दिन छूट ही जाती है। छूटने की वजह भी यही है कि समझ में नहीं आता क्या करूँ। तो आज अभी दिन के बाद निकला था रात को, शाम को गर्मी बहुत थी, आज मैंने बताया क्योंकि अब गर्मी भी इतनी है और परेशानी हो जाती है, और अकेला अकेला कहाँ जाऊँ मैं, कभी अकेला घूमता नहीं, अकेला खाता पीता नहीं। तो अब थोड़ा सा ये होता है कि चलो कोई एक आध बंदा साथ हो, दोस्त यार साथ हो, वो सारे कोई फारिग होता ही नहीं, मेरी तरह फारिग है ही नहीं कोई, तो उसकी वजह से थोड़ा परेशानी होती है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई आदमी को एक आध दोस्त ऐसा मिल जाए जिसको साथ लेके घुमा करूँ, तो दो आदमी होते हैं तो थोड़ा टाइम भी पास हो जाता है, मज़ा भी आती है। इंशाल्लाह देखते हैं रमज़ान से पहले या रमज़ान में कोई ना कोई दोस्त है, पाप कोई दोस्त ऐसा मिल जाए जो अपने साथ रहे, खाए पिए घूमे फिरे मौज करे, और क्या जो हम खाएँगे वो उसको खिलाएँगे। इससे ये कि कॉन्टेंट भी अच्छे बनेंगे और घूमने फिरने का भी अच्छा हो जाएगा, थोड़ा साथ रहेगा तो मजे रही हमारे साथ भाई। और ये हम जेल रोड पर, ये बिल्कुल सामने जेल है, और ये जेल के ऊपर से हम गुजर रहे हैं इस वक्त, और शहीद मिल्लत रोड पर उतरेंगे इंशाल्लाह। तो हमें ये नीचे का व्यू है और सामने जेल है, मसल है खूबसूरत, रात को भी बहुत खूबसूरत लगता है।
मैं थोड़ा सा अभी इसमें डालूंगा, आप चेक करना। मैंने एक वीडियो बनाई अभी, ये अब हम शहीद मिल्लत की तरफ उतर चुके हैं। ये चेस है और ये पुल नीचे उतर रहा है। साथ ही दे भाई को इजाज़त। भाई इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई जगह पे, नए ब्लॉक में, नए तरीके से, नए हिसाब किताब से, कोई ना कोई ढूंढेंगे इंशाल्लाह, बनाते हैं आपको वीडियो देंगे इंशाल्लाह। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, नए हैं और आज सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, ताकि आने वाली और बेल आइकन का बटन दबा दें, आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके साथ दें भाई को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। आपके भाई अमीन कादरी को हमारे चैनल का नाम ज़रूर याद रखें। तो भैया अब हम अंडर पास में पहुंच चुके हैं, शहीद मिल्लत अंडर पास है। अंडर पास में जाने से पहले आपके भाई को दें इजाज़त, अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ख़ास तौर पर दुआ में याद रखें हमारे चैनल का नाम एम फॉर यू अमीन है। इसके साथ दे भाई को ज़्यादा अल्लाह हाफिज़। अंडर पास में हम निकल चुके हैं और मेरे सामने इस वक्त नाइद स्टोर है, बिल्कुल नाइद स्टोर। अच्छा तो दोस्तों इसके साथ ही हमें दे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई जगह पर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा दें। एम फॉर यू अमीन कादरी को हमारे आज की एम फॉर यू हमारे चैनल का नाम है एम फॉर यू अमीन। इसके साथ दें भाई को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, शब आखिर। Don't forget to press the red subscribe button and turn on the bell image. Hey travelers, welcome to this Poidea channel. Hopefully, you are always healthy and happy. Don't forget to press the red subscribe button and turn on the bell image.